आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा 176 में बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत जनसभा कर रहे हैं, जिसका संबोधन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा होना है। वहीं थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर वह जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत जनसभा कर रहे हैं, जिसका संबोधन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा होना है। जहां एक तरफ सभी प्रत्याशी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण में है, अपने अपने विधानसभा सीटों पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं, लोगों को अपनी उपलब्धियां गिना रहे, अपनी कामयाबियां बता रहे, उन्हें ये भी बता रहे हैं कि अगर जनता उनके विधानसभा की उनको चुनती है तो वो किस तरह से विकास करेंगे, किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत जनसभा कर रहे हैं, जिसका संबोधन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा होना है। कोई मदद करने वाला नहीं है, उनकी मुफ्त में शादी होगी और 1 लाख रुपए भी मिलेगा, उससे रिश्तेदारों को बुला करके उनकी दावत भी कर सकते हैं। ये सब आपका जो काम होगा, ये पुणे का काम होगा, आपके कमल पर बटन दबाने का काम होगा। मैम आप बताइए ना, लाइट देना है? जो मुफ्त में राशन मिलने का काम है, मुफ्त में इलाज मिलने का काम है, या जो मुफ्त में आपको सिंचाई मिलेगी, आपके प्राइवेट ट्यूबवेल हमारे ज्यादा हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र के हमारे जो नलकूप के साथी हैं, जिनके पास वो फोन करते थे बार बार कि मीटर यहाँ से बंद करवा दो, मीटर हटवा दो। हमारे पार्टी ने फैसला कर लिया कि बीजेपी की सरकार बनाना है, आपको मोहनलालगंज से बीजेपी का विधायक बनाना है, मीटर तो छोड़ दो, आपको प्राइवेट ट्यूबवेल के प्राइवेट नलकूप में जो बिजली आती है उसका बिल ही नहीं देना पड़ेगा, बिल से ही मुक्ति आपको दी जा रही, मुफ्त में बिजली देने का काम किया जाएगा। ये सरकार का फैसला, ये हमारी पार्टी का फैसला है। आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, शिक्षा मित्र, खाना बनाने वाली रसोईया, चौकीदार, शिक्षा निदेशक, शिक्षा प्रेरक, रोजगार सेवक, इन सब लोगों की कोई ना कोई मदद हमारी सरकार ने निश्चित तरीके से करने का काम किया है। आने वाले समय में फिर से आप सरकार बनाने का काम करेंगे, जिन लोगों के भी संविदा कर्मियों की कोई समस्या हो, या कर्मचारियों की समस्या हो, या जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी समस्या हो, उन सब लोगों की समस्याओं का निदान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और फिर न फिर कुछ ना कुछ मानदेय जैसी स्थिति आएगी उस तरीके से बढ़ाने का काम आपके बीच में करने का काम करेगी। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के आपको यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी अमरीश रावत को आपको चुनाव जिताने का काम करना है। मैं पूछूं एक बार आप लोगों से कि जिस तरीके से 18,500 वोट से आपने जब सपा बसपा एकजुट थी तब आपने हमको मोहनलालगंज से जिताने का काम किया, आज सपा का वोट अलग है और बसपा का वोट अलग हो गया कि नहीं, बोलो आप। अपना दल के भी यहाँ पर हमारे साथी है, अपना दल के लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर अमरीश रावत चुनाव के मैदान में है। अपना दल के साथी और उनके वोटर, उनके समर्थक सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरी तरीके से भी साथ, पार्टी जो संजय जी की उनके भी साथी इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पर और मदद करने का काम कर रहे हैं। तो आप चुनाव को निश्चित तरीके से जीतेंगे, थोड़ी मेहनत की और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इसलिए चुनाव को आप जीतेंगे, क्योंकि सपा और बसपा अब अलग अलग लड़ रही है, एकजुट होने पर आप चुनाव जीते, अब अलग अलग लड़ने पर निश्चित तरीके से आप जीतेंगे, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट है उनको भी जो राशन मुफ्त में मिल रहा है, जो इलाज मुफ्त में मिल रहा है, वो लोग भी आपको बटन दबाने का कमल पर काम करेंगे, और बसपा का वोटर भी आपको वोट देने के लिए फैसला किया है, वो भी वोट देने का काम करेंगे। तो आप उनको अपने बीच में लाने का काम करें, अपने साथ जोड़ने का काम करें, उनके काम की जिम्मेदारी लें, जो लोग भी हैं उनके काम की जिम्मेदारी लें, और उनका काम अमरीश रावत करेंगे, उनको जिताओगे, और हम भी काम करने से आए हैं और वो काम करने का काम करेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपसे बताना चाहता हूँ। तो इसलिए साथियों,
एक बार जोरदार नारा लगाना है आपको, हम बोलेंगे फिर से इस बार, क्या बोलना है आपको? दोनों हाथ उठा के फिर से इस बार, फिर से इस बार, वोट आपका कहाँ पड़ेगा? माताओं बहनों का वोट कहाँ पड़ेगा? किसान मजदूरों का वोट कहाँ पड़ेगा? कमल वाले खाने को भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको सुनने के लिए आप लोग बड़ी देर से बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करने के पहले मैं निवेदन करूंगा, आप जरा जोरदार नारा लगना चाहिए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की ना। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, अरे इसी पंजे ने तो देश को गंजा कर दिया, तो पंजा नहीं मुट्ठी बांध करके बोले भारत माता की, भारत माता की। अगर ईरान साहब जिंदाबाद, अगर ईरान साहब जिंदाबाद। अब उनके लिए मैं बोलूंगा, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, बस वही आपके चाहने वाले होंगे। अब मैं आपके और हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के आप सबको अपने विचारों से व्यक्त कराएंगे। निवेदन करूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी से। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण जी लोधी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और भारत सरकार के मंत्री श्री कौशल किशोर जी, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल सांसद, श्री अमरेश जी रावत आपके प्रत्याशी हैं, आरबी सिंह जी हैं, नीरज शर्मा, श्री लाल चंद, अतुल पटेल, रविंद्र सिंह, बहुत लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं आपके ओम प्रकाश जी शुक्ला, विनय वर्मा जी, बहुत नाम है, जो नाम पढ़ा है मान लीजिए मैंने भी पढ़ लिया, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो अमरीश कुमार के लिए वोट मांगने आया, वोट देंगे कि नहीं देंगे? तब मैं जाऊं वोट देंगे तब भाई काहे को यहाँ पर भाषण करो? पक्का है भाई? तेरे नहीं होता दोस्त। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी के शासन काल में आपको सुविधाएं ज्यादा मिलती थी? एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में ज्यादा सुविधाएं मिलती थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ज्यादा सुविधाएं मिली? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। देखिए हमारे यहाँ कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता भले ही झूठ बोल दे, हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती। हम अपने घोषणा पत्र में जो लिखते हैं वही हम करते हैं, और मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जाकर देख लें, 2014 का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र और 2019 का भी घोषणा पत्र, जो हमने कहा है वो किया है। नेताओं का चरित्र ऐसा रहा है कि नेताओं ने जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया, इसीलिए नेताओं पर से और राजनीति पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। ये सच है कि नहीं है? लेकिन बहनों भाइयों, विश्वास के संकट पर विजय प्राप्त करने का संकल्प यदि किसी पार्टी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने वह संकल्प लिया है कि विश्वास के संकट को हम भारत की राजनीति से समाप्त करें। जो हमने कहा है वह सब किया। एक बात हम लोग पहले कहते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए तो आपके घर में लक्ष्मी जी आए, तो आप लोग समझते थे ये भाजपा वाले हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कैसे आ जाएंगे कमल के ऊपर मोहर लगाने से? आप जानते हैं घर में लक्ष्मी जी जब आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती, साइकिल चलाते हुए आती है, हाथी पर बैठ कर आती है। कहीं चित्र आपने उनका देखा है कि लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठ कर, कहीं हाथी पर बैठे हुए लक्ष्मी जी का चित्र देखा है? देखा हो तो बतलाइए, ना देखा हो तो हाथ हिलाइए, बतलाइए, नहीं देखा, नहीं देखा।
बहनों भाइयों, वह चित्र आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी घर में आती है तो केवल और केवल कमल के फूल पर बैठकर आती है। अच्छा एक बात, लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए आते हुए देखा है? बताइए, अनावश्यक कांग्रेस सपा बसपा के लोग परेशान है। अरे भाई, लक्ष्मी जी को जनता के घर में पहुंचना है तो कमल के फूल पर ही बैठकर वो लक्ष्मी जी जनता के घर में पहुंचे। अब जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी जी घर में आ रही, माने आपने किया कुछ नहीं, कल्पना भी आपने नहीं की थी। अब आपकी पॉकेट में मुफ्त का 12,000 रुपया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? क्या भैया, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? 12,000 की गर्मी है कि नहीं है? अरे अरे, मुफ्त में किया कुछ ने दिया कुछ, 1,000 रुपया महीना आ रहा है। अब कोई अब छान जाए उसका तो मैं क्या करूं? छानने का मतलब समझते हैं? अरे मैं जानता हूं आप, ये बीमारी छोड़ दीजिए, खराब बीमारी है, कोई छोटी बात नहीं। अब ये बतलाइए, मुफ्त का राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। कौशल जी बतला रहे थे कि महीने में 2 बार मिलता है। ईमानदारी से सब खा जाते हैं, सही सही बतलाइएगा, यहाँ कोई देख नहीं रहा, सब खा जाते हैं, बेचते ही ला। अभी की बात सही, क्या इसी को लक्ष्मी घर घर? बहुत लोगों को जिनके पास पक्का मकान नहीं रहा उनको घर मिला है कि नहीं मिला है? आपके घर में नल पहुंच रहा है, नल से जल पहुंच रहा है, अभी नहीं पहुंचा होगा लेकिन काम शुरू हो गया होगा। क्यों कौशल जी, काम शुरू हो गया है, आपने जाकर पानी नहीं खींचना पड़ेगा, हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा, अब तो घर में नल पहुंच जाएगा। नल ला रहे थे कि महीने में 2 बार मिलता है। ईमानदारी से सब खा जाते हैं, सही सही बतलाइएगा, यहाँ कोई देख नहीं रहा, सब खा जाते हैं, बेच दे ही ला। अभी की बात सही है, क्या इसी को लक्ष्मी घर घर? बहुत लोगों को जिनके पास पक्का मकान नहीं रहा उनको घर मिला है कि नहीं मिला है? आपके घर में नल पहुंच रहा है, नल से जल पहुंच रहा है, अभी नहीं पहुंचा होगा लेकिन काम शुरू हो गया होगा। क्यों कौशल जी, काम शुरू हो गया है। आपने सोचा था कि आपके घर के माताओं बहनों को कुएं में जाकर पानी नहीं खींचना पड़ेगा, हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा, अब तो घर में नल पहुंच जाएगा, नल की टोटी ऐसे खोलेंगी और पानी नल से गिरने लगेगा घर में। बहनों भाइयों, यही सब है ना, घर में अनाज आ जाए, पॉकेट में पैसा हो जाए और मकान बन जाए, घर में पानी आने लगे, इसी को तो कहते हैं भैया इसके घर में लक्ष्मी का वास है, यही उसी को कहते हैं ना। तो भैया लक्ष्मी जी आती हैं तो केवल और केवल कमल के फूल पर बैठकर आती हैं, और साइकिल न चलाते हुए, न हाथी पर बैठकर और न हाथ हिलाते हुए लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाइए। अब मोदी जी को जानते हैं, कमाल किया है, भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया बहनों भाइयों जो आपके प्रधानमंत्री ने किया है। पहले जो चाहता था, इधर उधर दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत के बारे में कुछ बोल दिया करते थे, पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया उसे सुनती नहीं थी, बैठ जाओ ब्रिज में, दुनिया उसे गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के मंचों पर यानी दुनिया के सामने यदि भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया के लोग कान खोल कर भारत को सुनते हैं, यह भारत की हैसियत बनी है, भारत के प्रधानमंत्री ने बनाई है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं,
देश को भी ताकतवर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन यहां पर सपा, कांग्रेस, यह सब राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म इस आधार पर समाज को बांट कर या केवल सरकार बनाना चाहती है। भाजपा का कहना है राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। अब देश कितना ताकतवर हुआ है, अब जैसे एक घटना मैं बताऊं आपको, उरी या पुलवामा कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे फोर्स के जवानों पर कायराना हमला कर दिया, हमारे जवान मारे गए, शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम एक दो लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट में फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। सारी दुनिया को हमने यह संदेश दे दिया, सारी दुनिया को हमने यह संदेश दे दिया कि भारत आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के पार भी जाकर मार सकता है, यह भारत के अंदर ताकत। इसलिए मेरे बहनों भाइयों में कहने आया हूं, हम राजनीति केवल सरकार में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपका समर्थन मांगने आए। आपका जो वोट पड़ेगा वो अमरीश कुमार को नहीं पड़ेगा, कौशल किशोर को नहीं पड़ेगा, राजनाथ सिंह को नहीं पड़ेगा, बहनों भाइयों आपका वोट देश को पड़ेगा और मोदी जी के हाथों को आपका वोट मजबूत करेगा। बहनों भाइयों यह मैं आप सबसे कहने के लिए आया, क्योंकि जो शिखर पर बैठा है, जो प्रधानमंत्री है, हम सबके लिए जिम्मेदारी बनती है कि उसके हाथों को हम मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं, और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की क्या हालत है बताइए, समाजवादी क्या, समाजवादी क्या किया समाजवादी? जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है आपने देखा गुंडे बदमाशों का हौसला बुलंद रहता है कि नहीं रहता है? क्या भैया, और आज गुंडे बदमाश बाहर हैं, मिलते जुलते हैं, डराते धमकाते हैं। क्या भैया डराते धमकाते हैं गुंडे बदमाश की नहीं? अब कोई नहीं, जेल वेल में गए हैं, आप लोग मिलने के लिए तो नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। बुलडोजर तो नहीं आया है यहां? तब क्या, तो मजा लीजिए। अरे भाइयों इस उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, प्रदेश को बाबा चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों यह भी मैं बताना चाहता हूं, योगी जी बहुत बड़े बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाजी भी बहुत तेजी करते हैं। जब यह गेंदबाजी शुरू कर देते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट उखड़ जाते हैं। तो बहनों भाइयों आपका समर्थन चाहिए। समाजवादी पार्टी की साथ सरकार थी तो क्या होता था, कट्टा बनता था, कट्टा बिकता था,
कट्टा लेकर लोग घूमते थे, कट्टा समझ रहे ना, कट्टा लेकर घूमते थे। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में कोई मां का लाल कट्टा बनाने का साहस नहीं कर पाएगा। अब तो उत्तर प्रदेश की धरती पर आपने देखा होगा, दो तीन महीने पहले कौशल जी के क्षेत्र में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है कि मोहनलालगंज बैठकर यदि मारना हो तो 400 से 600, 800 किलोमीटर तक का जो आपका दुश्मन है उसको आप मार सकते हो। बहनों भाइयों, यह होती है ब्रह्मोस मिसाइल। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटी, लघु, मध्यम, सूक्ष्म, इस प्रकार के यहां पर औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी। इतना लाभ होने वाला है। अब कट्टा कोई नहीं बेचने पाएगा। और आपने देखा 2014 में भी समाजवादी पार्टी चित, 2017 में भी समाजवादी पार्टी, अरे आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे। 2014 में समाजवादी पार्टी, 2017 में समाजवादी पार्टी, 2019 में समाजवादी पार्टी, इस बार भी समाजवादी पार्टी, तो चले हैं? अब तो आप क्या चले, अब फेल कर ही दिया तो क्या चले। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं 60 साल के ऊपर की बैठी हैं। अरे 60 साल के ऊपर की जो माताएं बहनें बैठी हैं, यहां सरकार बन जाएगी तो मुफ्त में बस में बैठ के यदि दिल्ली जाना चाहोगी, ट्रेन में जाना चाहोगी, एक पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में आपकी यात्रा होगी 60 साल के ऊपर की माताओं बहनों की। अगर एक बात लाल पोटली, अरे सुनो भाई, लाल पोटली देखा है? है किसने देखा है? लाल पोटली देखा है ना, समाजवादी पार्टी के पास है, अखिलेश जी लाल पोटली दिखाते हैं, देखा है कि नहीं? किसी ने, कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। ये बात हुई, लाल पोटली की तरफ देखना मत, है गड़बड़ उसमें कुछ। लाल पोटली की तरफ देखोगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी, आंख बंद कर लेना, है कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है। बहनों भाइयों, अरे एक मिनट शांत रहो भाई, अरे रुक जाओ। ऐसा है जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही समाज पार्टी को अब केवल पोटली का सहारा रह गया है बहनों भाई, और कोई सहारा नहीं। और हाथ में पोटली लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। और आप लोगों से एक अपील और कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर भेदभाव मत करिए। बहुत लोगों को बात मेरी खराब लग सकती है, यह समाजवादी पार्टी को करने दीजिए, कांग्रेस को करने दीजिए, बराबर समाज को इन लोगों ने बांटा है। हम लोग बराबर इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यह नहीं चलेगा। नफरत पैदा करके हम कोई सरकार नहीं बनाना चाहते। हम सरकार बनाना चाहते हैं तो मोहब्बत का सहारा लेकर, प्यार का सहारा लेकर हम सरकार बनाना चाहते हैं। हमको यह नहीं सिखाया गया। आप चिंता मत करो, गंदी बात मत सीखो। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बड़ा मन करके विशाल हृदय से काम करो। भारत एक ऐसा देश है जिसमें भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश
सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है बहनों भाई। बड़े मन से चाहे कोई होगा, किसी धर्म को मानने वाला होगा, यदि गड़बड़ करेगा तो हमारी सरकार ऐसी है उसमें रंच मात्र भी कोताही नहीं करेगी, तुष्टिकरण नहीं करेगी, उसे उल्टा कर देगी, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। जो भी होगा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं, अरे आप चुप रहो, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए मैंने यह बातें इसलिए कही, भारत एक ऐसा देश है जहां नाग पंचमी के दिन सर्प को भी गाय का दूध पिलाकर उसके भी दीर्घायु होने की कामना की जाती है। पिलाते हैं कि नहीं आप लोग सर्प को नाग पंचमी के दिन? लेकिन यदि सर्प काटता है तो सर्प को मारने में भी हम कभी संकोच नहीं करते, मारना पड़ता है, यह मजबूरी है, लेकिन बचते हैं, हम बचते हैं। ऐसा देश है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, इससे हमको कटना नहीं चाहिए। अब देखिए हमारे मोदी जी ने विश्वनाथ जी के मंदिर का कॉरिडोर बनवा दिया, इसे विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर गोरीनाथ ने उसके ध्वस्त किया था, उसको भव्य रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों को जोड़ने वाली एक ऑल वेदर रोड बनवा दी है, बन रही है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस मिल गई है। तो बहनों भाइयों, हम देश की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही साथ देश का हम विकास भी करना चाहते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और आप मानेंगे, जो अपनी जड़ों से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है कि नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्वस्थ राजनीति करती है, हेल्दी पॉलिटिक्स अंग्रेजी में से कहते हैं, वह करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कमाल की सरकार चली है उत्तर प्रदेश की, कमाल की सरकार चली है। 2017 में अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की कितना पैसा था टोटल, अब उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। उसका अर्थव्यवस्था का आकार होता है, जैसे आपके शरीर का आकार, वैसे पूरी अर्थव्यवस्था धन दौलत यह सब मिलाकर कितना है। तो उत्तर प्रदेश 2017 में 11 लाख करोड़ था अर्थव्यवस्था का आकार। कमाल किया है यहां की सरकार की, सरकार ने, योगी जी ने 5 साल में उसे बढ़ाकर 21 लाख करोड़ कर दिया, 21 लाख करोड़। इसीलिए मैंने कहा ना, लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठ के आएंगे। कोरोना, अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश आज भी जूझ रहा है, भारत में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की है बहनों भाइयों, बेजोड़ है। और बहुत लोग, कुछ लोग महंगाई की चर्चा करते हैं, मैं कहना चाहता हूं पता लगा लीजिए, अमेरिका का सबसे धनवान देश अमेरिका, वहां पर 40 वर्षों में ऐसी महंगाई नहीं थी जैसी कि इस समय अमेरिका में महंगाई है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो लिख दें, लेकिन कांग्रेस के समय में महंगाई की दर लगभग 11.5-12% पहुंच चुकी थी, जबकि कोई संकट नहीं था। और यहां पर कोरोना के संकट के बावजूद 5.5-6% से अधिक हमने महंगाई की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? और मैंने भाई, यदि बढ़िए तो हम दे भी तो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, नया उत्तर प्रदेश बनाना है बहनों भाइयों, जिसमें कोई दंगा न हो, जिसमें कोई फसाद न हो, कोई किसी का उत्पीड़न न कर सके, समतायुक्त समरस समाज हो। ऐसे समाज के निर्माण के लिए और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए मैं आप सभी लोगों से वोट देने की अपील करने आया हूं।
वैसे कौशल किशोर जी तो मैं देखता हूं मंत्री होने के बावजूद आपकी बराबर चिंता करते रहते हैं। दिल्ली में जब मैं देखता हूं बिहार का काम कभी कभी थोड़ा ढीला भी करके करना, लेकिन अपने क्षेत्र वालों की चिंता जरूर करते हैं, जरूर 50 लोग जमे रहेंगे। बहन भाइयों, प्रश्न भी चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। और अमरीश कुमार जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा हूं भगवान ने शरीर ठीक ठाक बनाया है अमरीश कुमार का। जहां जरूरत होगी अब समझ गए होंगे। समझ गया कि नहीं? समझ गया ना? हाँ तो समझ गया तो वोट दे दीजिए, जीत जाएंगे, बात खत्म। जिता देंगे? नहीं नहीं, देखिए नहीं जिताएंगे, बाद में खबर लूंगा मैं। आऊंगा फिर पक्का, लेकिन आप लोग घर घर जाइए, लोगों को समझाइए, बताइए क्या हो दादा, जीत जाएंगे या अमरीश कुमार वहां बैठे हैं पीछे? पक्का? यार जीत जाएंगे तो सब लोग हाथ ऊपर करके, या मेरे मीडिया के मित्रों देखा उधर, हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिए जोर से, बोलिए ताली बजा दीजिए जोर से एक बार हाथ, और ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी आपका। भारत आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।